मानस पर सियासी बयानबाजी, तेजू स्वामी प्रसाद ने भागवत के बयान को बनाई ढाल। गौतम अडानी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों ने किया जमकर प्रदर्शन। बुलंदशहर की बेटी ने जीता गोल्ड मेडल, गोल्ड जीतकर जिले का नाम किया रोशन। गाजियाबाद में प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई, तार जलाने से फैला था प्रदूषण। कानपुर में पुलिस आयुक्त कार्यालय में नवनिर्मित भवन तैयार, पुलिस आयुक्त डीपी जोगदंड ने किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। रामचरितमानस विवाद को लेकर चौतरफा घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को आधार बनाते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। वहीं इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कल रविदास जी की जयंती के अवसर पर मोहन भागवत द्वारा बयान दिया गया, किसी भी भगवान ने जातीय व्यवस्था नहीं बल्कि पंडित ने बनाई है, जिसे स्पष्ट हो गया कि जात पात को संतों ने ही फैलाया है। बयान दिया गया कि जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं अपितु पंडितों ने बनाई है, इससे साफ जाहिर हो गया धर्म के नाम पर गोरख धंधा हजारों साल से चल रहा था। समय समय पर हमारे देश में पैदा होने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस पर अपनी बात उठाई। संतों की भी एक कड़ी इसी जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच पर लगातार प्रहार करती रही। बुलंदशहर में गौतम अडानी को लेकर बैंक में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर घोटाले का आरोप लगा है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई पर धरना दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जेपीसी की मांग की है। निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपए का शेयरों में गिरावट हुई है, इसको लेकर कांग्रेसियों ने एसबीआई पर धरना प्रदर्शन कर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। बहुत सारा पैसा उनके ऊपर कर्जे की माफ़ी उनको दिया गया है, जो आरबीआई की गाइडलाइन के नियम विरुद्ध है, परंतु उन पर इतनी मेहरबानी मोदी जी की सरकार कर रही है कि उनसे ये पूछा नहीं जा रहा कि ये जो गलत काम उन्होंने करे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। पार्लियामेंट में अगर हमारे नेता कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, पार्लियामेंट चल रही है उसको स्थगित कर दिया गया है। एक उद्योगपति जो पूरे देश में बहुत प्रभाव डालते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की मांग उन्होंने जो संसद में उठाई है कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र को इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक बना दिया फर्जी तरीके से, जिनकी 400 कंपनियां तो सिर्फ शेयर घोटाले का ही काम करती हैं विदेशों में, और सारा संपत्तियां जो बेची हैं, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हमारी बैंकों से, सरकारी संस्थाओं से नियमों को ताक पर रखकर उनको दिलवाया गया है, उसके खिलाफ जो जांच की मांग हमारी है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में उठाई कि भाई इसकी कम। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बुलंदशहर की बेटी सोनम ने। आपको बता दें कि सोनम के पिता मजदूरी करते हैं। एमपी में हुए खेलो इंडिया खेलों में 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सोनम ने गोल्ड मेडल लाकर अपने नाम कर लिया है। सोनम ने गोल्ड जीत कर जिले का नाम रोशन किया है। इसी के साथ ही उन्होंने पारुल चौधरी का 11 साल का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मेरे कोच का नाम संजीव है, जो मेरे को नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस कराते हैं। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा भट्टे पे काम करते हैं
और मैं भी खुद जॉब करती हूँ। जॉब करके मैं डिलीवरी का काम करके मैं अपना खर्चा चलाती हूँ, तब प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं सरकार से यह अपील करना चाहती हूँ कि मेरे गांव में खेलने के लिए विकास करें बच्चों को, ताकि मेरे गांव का विकास। दिल्ली में है और ये बहुत ही मेहनती लड़की है, और अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम भोपाल में हुए है उसमें इसने 11 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 2000 मीटर स्टीपल चेज में। मेरी सरकार से यही विनती है कि आप इस लड़की का जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, क्योंकि ये लड़की दिल्ली में भी डिलीवरी का काम करके तब जाके इसको अपना खर्चा करती है, डाइट का खर्चा, अपने रहने का खर्चा यहाँ पे करती है। इसके परिवार बहुत ही गरीब है, इसके हालत में पालन पोषण किया था हमने। दूसरे की भैंस पालते थे, दुनिया की मजदूरी करते थे। पति मेरा भट्टा पे रबस का काम करता था। अब ये भैंस किसकी है? चुगाई की है जी, हमारी नहीं है, दूसरे की है। किस तरह से पालन पोषण करके बेटी को वहाँ तक पहुँचाया आपने? देखो, तुम बाकी खुशामत करी थी, किसी के हाथ जोड़े मजदूरी कर्ज पानी लिया था। मैं तो मजदूरी करता हूँ भट्टे पे, और बड़ी मेहनतों से उसको मैंने अपना जो भी मुझ पे सहयोग बना है उसको मैंने करा है। अब मेरी लड़की ने जो गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि इसके लिए जो आगे के लिए कुछ भविष्य में कुछ कर लो। और घर में कैसे खर्चा चलता है आपके? कितने बच्चे हैं? बच्चे मुझ पे 5-6 से। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया गया था, जिसका लगातार विरोध देखा जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट पर सत्य सनातन भारतीय संविधान समिति की तरफ से स्वामी प्रसाद के दिए गए विवादित बयानों को लेकर खासी नाराजगी देखी गई। समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए स्वामी प्रसाद की गिरफ्तारी की मांग की गई है और मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। उसके बाद समिति के सदस्य धीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा अपनी मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया है। पहले तो मैं ये आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हमारे सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरित मानस के एक दोहे पर मर्यादित टिप्पणी के उसके खिलाफ मैं धरना प्रदर्शन यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी के लिए बैठा हुआ हूँ। और जो भी इस श्री रामचरित मानस के पुस्तक के बारे में गलत या अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा उसको ये सनातन धर्म कानून संविधान के माध्यम से गिरफ्तारी की मांग करता है और शासन से मांग करता है कि उनके घर पर बुलडोजर चले जाए। अमेठी में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग रखी है कि उनके विधानसभा सदस्यता समाप्त की जाए, जिससे संबंधित ज्ञापन उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस को तहरीर देकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हम लोग जो है ये जो रामचरित मानस पर स्वामी प्रसाद द्वारा जो एक अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए कि इस स्वामी प्रसाद की सदस्यता विधान परिषद की तत्काल रद्द की जाए, जिससे कि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, एक संदेश जा सके कि यदि कोई 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान करेगा तो उसके लिए देश में, समाज में कोई स्थान नहीं होगा। बिजनौर में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर LIC कार्यालय और SBI के बाहर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए LIC कार्यालय पहुंचे और शेयर बाजार में हुए भ्रष्टाचार, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश, खासकर मध्यम वर्ग चिंतित है। डालेगा हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। बहुत बढ़िया, जिस तरह से मोदी जी ने अपने चाहने वालों को 60-70% पैसा देने का काम किया है और वो उनके शेयर आज 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं मोदी जी को। और अगर जिस हिसाब से राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर तमाम दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करा है,
दसियों लाख की भीड़ लेके साथ में चले हैं, आने वाले इस देश का भविष्य है। और इस मामले को उजागर राहुल गांधी ने बहुत पहले कर दिया था कि जिस अपने चाहने वाले को ये इतना माल लुटाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, ये एक दिन देश छोड़ के ना भाग जाए। फरीदाबाद में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अडानी वाले मुद्दे पर नीलम चौक स्थित स्टेट बैंक कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक और जहां शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अडानी के शहरों में इन्वेस्ट कर चुके इन्वेस्टर्स के मन में भी डर का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों LIC और स्टेट बैंक का पैसा अडानी के शेयरों में इन्वेस्ट करा दिया गया। हमारे देश की जनता का 10 लाख करोड़ रुपया लुटा है अडानी के द्वारा, खास तौर से SBI का और LIC का। उसके तहत आज पार्टी का कार्यक्रम था, हर जिले के अंदर SBI या LIC के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का। उसी श्रृंखला में हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सांसद में भी इस बात की आवाज़ उठ रही है। और हम भी ये डिमांड करना चाह रहे हैं कि सरकार देश की जनता को इस पर बोले और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठित करें, जिससे कि जो हमारे देश का 10 लाख करोड़ रुपया डूबा है उसकी भरपाई के बारे में बातचीत करें। देखिए, जो प्रोटेस्ट है ये अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं, उनको जो भारत सरकार की जो हमारी LIC और जो ये SBI है, इनके द्वारा जो बहुत ही नाजायज़ तरीके से लोन दिया गया और जो बहुत बड़ा घोटाला के रूप में निकला है, क्योंकि इन कंपनियों ने क्या किया है कि विदेशों में जो 7 देश ऐसे थे जहाँ पर टैक्स की छूट है, उनको उन्होंने वहाँ पे अपनी कंपनियाँ खोली। उन्होंने जब वो कंपनियों से यहाँ पे शेयर के थ्रू दिखाया कि उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बाद यहाँ के लोगों से उसमें निवेश करवाया, और उसके बाद जैसे ही इस कंपनी ने हिंडनबर्ग ने उसका खुलासा किया तो आपने देखा कि शेयर मार्केट नीचे गिर गई, जिसके तहत आम जनमानस का पैसा, क्योंकि LIC कंपनी जिसका स्लोगन ही ये है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कि ये एक ऐसी वो थी LIC और स्टेट बैंक जिन पर भारत का हर नागरिक विश्वास करता था, आज इस पूंजीपति की वजह से देश के लोगों का विश्वास चला गया और आज देश उस चौराहे पे अगर खड़ा हो गया कि अब भरोसा करे तो करे किसके ऊपर। जो आज हमारी गरीब जनता का 10 लाख करोड़ रुपया जो इन्होंने अडानी ग्रुप को बांट दिया, तो आज जनता त्राही त्राही मचा रही है। हर छोटे उद्योग पे, हर छोटे व्यापारी पे, हर छोटे उद्योगपतियों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और जो ये कहते हैं वो करते हैं। पहले ही जनता को ये आदेश, ये अपना, ये अपने उसमें कह चुके हैं कि भाई हम गारंटी, किसी की अगर करोड़ों की FD है तो हम 5 लाख की ही FD की हम गारंटी देंगे। तो निश्चित तौर पर ये देश में होने के लिए जा रहा है, ये कर रहे हैं। और ये लोग यहाँ से पैसा जो अडानी को इतने लाखों करोड़ दिया है, निसंदेह ये सबके दायरे में है और इन्होंने अपना काम कर चुका है, और जनता में बिल्कुल त्राही त्राही मची। देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, हम इस गूंगी भरी अभागी सरकार को, BJP सरकार को, चाहे वो देश में चाहे प्रदेश में जहाँ भी काबिज है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज देखा जाए हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक तक को ये अडानी अंबानी जैसे बंधुओं के पास गिरवी रखने की तैयारी करे बैठे हैं। SBI, LIC इन सबको बेच बेच के काम चला रहे हैं। इनको काम तो करना नहीं है बेसिकली, इनको केवल जुमलों की सरकार है। इस देश के समस्त वासियों को आज कर्जों तले दबा के रख दिया है। इनका अगर बस चले तो ये अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास, हम जैसे प्रत्येक नागरिक को भी गिरवी रख दें। कानपुर में पुलिस आयुक्त कार्यालय में बनी नवनिर्मित भवन का पुलिस आयुक्त VP जोगदंड द्वारा उद्घाटन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के ऑफिस में कर्मचारियों के पुराने भवन थे, उनको रिनोवेट करके नया ऑफिस बनवाया गया है जिसका उद्घाटन किया गया। इसमें जो नए भवन बन रहे हैं, बता दें कि पुलिस कर्मियों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है जिससे उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए भी बायोमेट्रिक व्यवस्था की जा रही है। कानपुर कमिश्नरेट के ऑफिस में कर्मचारियों को जो पुराने भवन थे उसको रिनोवेट करके नए ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके पूर्व में बड़े बाबू ब्रांच के लिए एक ऑफिस बनवाया गया था जिसका पूर्व में उद्घाटन किया गया है। आज खजांची ब्रांच के लिए, अकाउंट्स ब्रांच के लिए एक नया भवन का निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है।
फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की धूम देखी जा रही है। इस मेले में लोग हस्तशिल्प कलाकारों की तरह तरह की हस्तशिल्प कला को पसंद कर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा आकर्षित मेले में आए लोगों को हरियाणा की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए पेंटिंग, कार पेंटिंग, बल्कि रोहतक जेल की बनी खाद्य सामग्री भी खूब पसंद आ रही है। मेले में आए लोग प्रेषण डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए स्टॉल से जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सामान खरीदने वाले लोगों ने बताया कि सामान के साथ साथ यहाँ दाम भी वाजिब है। बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे बनाने के लिए जो भी स्टाफ होगा वहाँ पर, जो प्रिजनर से बनवाते हैं, जो जितने भी कमरे कैदी हैं उनसे ये सामान बनवाया गया है, तो उनके ऊपर डायरेक्शन देने वाले भी बहुत अच्छे हैं। वो सामान को देखने से जाहिर हो रहा है और सामान भी बहुत अच्छा है। डेफिनेटली रेट भी बहुत रीज़नेबल है और बहुत ही अच्छा है। ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को पूरे फेयर में, सबसे अच्छा यहीं का सामान लगा और जेन्युइन रेट लगा। रेट भी अच्छे थे। यस, प्राइस बिल्कुल जेन्युइन था। क्या खरीदा आपने? मैंने तुलसी अर्क खरीदा है, एलोवेरा जूस खरीदा है एंड आंवला जूस खरीदा है एंड ट्रेस खरीदी हैं। चेयर बहुत अच्छी लगी हमें, उनके द्वारा बनाई गई, वेरी नाइस। यस, हिसार से आए हैं और सामान बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि आई थिंक जेन्युइन सामान है और बड़ी सही कीमत पे है। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हमें और भी करनी चाहिए, इससे बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पे भी एक आय भी होगी, उनकी सुधार भी होगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कैदियों द्वारा जेल में बनाए गए घरेलू आइटम, जिसमें फर्नीचर है, कपड़ा है और सूत का काम किया हुआ कोई क्राफ्ट है और पेंटिंग है, इस तरीके का आइटम रखा गया है। और इसकी जो कॉस्ट अगर की बात करें तो 30 रुपये के आइटम से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आइटम यहाँ रखा गया है। हमारे पास रोहतक जेल से सोफा सेट आया है जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये। श्रावस्ती में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा ग्राम प्रधानों को आवंटित धनराशि का 30% कटौती कर क्षेत्र और जिला पंचायत को देने का निर्णय वापस लिया जाए। प्रधान संगठन ने कहा कि राज्य वित्त आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी सिफारिशों को प्रदेश में लागू किया जाए, जिसको लेकर भारी संख्या में प्रधानों ने प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट में 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ये प्रधान संगठन की तरफ से विभिन्न मांगों को जो माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित है, जिलाधिकारी महोदय से 9 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों को आज देना है। मुख्य रूप से हम लोगों का जो NMMS पद्धति है उसके तहत मजदूरों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, अटेंडेंस नहीं लग पाता, जिस कारण से उनको मजदूरी नहीं मिल पाती। तमाम ऐसी खामियाँ सरकार के द्वारा कर रखी गई है जिससे हम लोगों को समस्या आ रही है। 30% कटौती के गई गांव सभाओं में हमारे, जो विकास में बाधा बनती चली जा रही है। तो 9 सूत्रीय ज्ञापन आज माननीय प्रधानमंत्री को हम सब जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपेंगे, यही हम लोगों की मांग है। देवरिया में भूमि पर अवैध कब्जा किया गया। पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि हमारे गांव में खलियान के नाम से जमीन दर्ज है। खलियान की भूमि को ग्राम प्रधान ने अपनी दबंगई से अवैध रूप से कब्जा कर लिए है। कई बार इसकी शिकायत जन सुनवाई एवं जिलाधिकारी महोदय को की, लेकिन आज तक खलियान की भूमि को प्रशासन द्वारा खाली नहीं कराया गया है। समाधान नहीं हुआ। कैसा खलियान है, क्या कैसी भूमि? खलिहान की संपत्ति है, यानी सरकारी संपत्ति, गांव की संपत्ति है, जिस पे पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय है और आगे जमीन जो खाली हुआ था वो चारों तरफ से कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि DM साहब उस जगह को सही पूर्वक पैमाइश करा के खाली करा दें, ताकि बच्चों और गाँव वालों का कम से कम कार्य विकास हो सके। अभी कहाँ आए? अभी हम जिला कार्यालय पर हैं। DM साहब से मुलाकात हुई हमसे। DM साहब बोले हैं कि हमारे सामने फ़ोन किए हैं, वहाँ पे तहसीलदार से बात किए हैं, बात करके बोले हैं कि जाइए आपका समस्या का। हरदोई पुलिस ने एक के बाद एक हुई चोर की घटना की खुलासा किया है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले 2 युवकों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह दोनों आरोपी अपने शौक को पूरा करने के लिए लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सभी लूट की वारदातों में इन्होंने एक ही तरीका अपनाया है। ये लोग सुनसान वाली जगहों पर जाने वाले लोगों की आंखों में मिर्च डालकर महिलाओं से लूट किया करते थे। SSP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने कड़े प्रयास से पुलिस ने इन 4
लूट की घटनाओं का खुलासा किया है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 और एक कांस्टेबल को 5,000 रुपए का इनाम देकर पुरस्कृत किया गया है। ये विगत कुछ ही दिनों में हमारे जनपद के थाना पाली बैठा गोकुल लोनार में कुछ घटनाएं हुई, जिसमें कि राह चलते औरतों से उनके कान के बाले छीन लिए गए या चुरा लिए गए, और ये जो है जनपदीय पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, जिसके लिए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सहित स्वाट एसओजी टीम लगाई गई। इसमें हमको आज सफलता मिली है। इसमें हम दो अभियुक्त जो कि थाना लोनार के रहने वाले हैं ये पकड़े गए। मैं मोटरसाइकिल के और जो लूटे हुए बाले थे, चोरी किए हुए बाले थे, इनके पास से दो वेपन्स भी मिले हैं और मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं, और इनके द्वारा ये घटना शौकिया किया है ना स्वीकार किया गया है। रायबरेली में युवती ने ट्रेन से कूदकर जान दी थी। परिजनों ने बताया कि युवती शौच के लिए गई हुई थी और वापस नहीं लौटी। आपको बता दें कि गांव वालों ने सूचना दी कि युवती की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। आनंद फानन में सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैसे किया है? अरे आत्महत्या तो मतलब टट्टी बहाने गई, बताया है नहीं। अच्छा, लेटरिंग करने गई थी और ट्रेन से जाकर कट गई, तो किसी के परेशान थी क्या किसी वजह से? जैसे हमको नहीं पता, ये हमसे अलग है। अच्छा, पता नहीं चल पता नहीं किस कैसे हत्या की है। क्या उम्र है लड़की की? लगभग 15-16 साल की। सिद्धार्थ नगर में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 10 वर्ष पहले हमारे गांव में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया गया था, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसकी शिकायत हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने इसकी ध्वस्तीकरण कराकर इसका पुनर्निर्माण कराने की बात कही थी। मेरा नाम नफीस अहमद है, मैं बसडीला मोदी नानकार का निवासी हूँ। यहाँ जो हमारे गांव में आंगनबाड़ी बना हुआ लगभग 10-12 साल हो गया होगा बना हुआ था, तो उसको बहुत जर्जर हो गया था, बिल्कुल ढहने की स्थिति में था। तो इसकी एप्लीकेशन दी गई सीडीओ के माध्यम से, तो उनके माध्यम से जब जाँच करवाई गई तो जाँच करवाई में पाया गया, बाकायदा रिपोर्ट लगाई गई सीडीपीओ के द्वारा डुमरियागंज, और उसके बाद इसमें यह आ गया कि इसको ध्वस्तीकरण करके दोबारा फिर से बनवाया जाए। तो उसको ध्वस्तीकरण ना करके इसको सिर्फ मेंटेनेंस कार दिखा के, ऐसे वो भी कच्चा ईंटा लगा के ये लोग दोबारा निर्माण को कार कर रहे हैं मेंटेनेंस के थ्रू। बाकी इसमें अभी फिर भी वही है, फिर गिर जाएगा 10-12 साल में, कोई हादसा हो जाए फ्यूचर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा अच्छे से बने, कोई भी इमारत बने तो अच्छे से बने, अगर सरकार का कोई पैसा लग रहा है तो थोड़ा ढंग की चीज बने, ऐसे लीपा पोती करके उल्टी मसाला भी थर्ड क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। यहाँ पे जो ये आंगनबाड़ी बन रहा है थर्ड क्वालिटी का मसाला है एकदम, इसमें से जो है अपने आप टूट कर गिरने लगे थे। इसमें ना कभी पढ़ाई होती है, डर की वजह से कोई बच्चा गिर जाए, ऊपर से चोट लग जाए, देखने लायक बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसकी पूरा जो है ध्वस्त गिराने का वो था, लेकिन इसको थोड़ा सा तोड़ ताड़ कर मसाला वसाला गिरा कर फिर ऊपर से जो है 8-10 रद्दा ले गए ईंट का, और थर्ड क्वालिटी का ईंटा है इसमें, जिसको एकदम स्वयं द्वयम कहते हैं, मीठा कहते हैं, एकदम बेकार है। आपसे बता रहे हैं इतना पिछड़ा हमारा गांव है, इतना पिछड़ा है कि शायद पूरे सिद्धार्थनगर में कोई गांव इतना पिछड़ा हो। तो अभी आपने जो हमको संज्ञानित कराया है हमने उसको नोट कर लिया है, उसको हम जांच कराएंगे कि क्या एग्जैक्ट मामला क्या है, जो नियमता होगा वो। गाजियाबाद में स्वर जयंती पार्क में चोरों का बोलबाला जारी है। सरकारी सुरक्षा पार्क में नदारद दिख रहे हैं और चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले दो दिन में लाखों रुपए के बिजली के पोल और लोहे के ग्रिल जैसी चीजें चोरी हो गई हैं। तो वहीं पार्क में उचित सुरक्षा न होने के कारण महिलाएं भी पार्क में घूमने से कतराने लगी है। पिछले एक सप्ताह में लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका है। GDA के सरकारी ठेकेदारों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। लाइटें चालू करा रहे थे तो उसमें यहाँ पर हट में एक नारियल का खंभा लगा हुआ था, जिसके नट बोल्ट बकायदा खोल के और उसको ले जाया गया है। और एक मैं दिखाता हूँ आपको, एक खंभा इधर की तरफ है जो भी खोला गया है, जिसके अंदर लैंप लाइट लगी हुई थी, और हमारे 6 खंभे उधर की तरफ से चोरी हुए हैं, एक ग्रिल चोरी हुई है,
और बाथरूम वाथरूम का सब सामान निकाल लिया गया है, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। और यहाँ जो है कितने रात चोरी हो रही है और कोई रोकथाम नहीं है। सामने की ग्रिल टूटी हुई है, कहीं की दीवार टूटी हुई है, कहीं की कुछ है, रोजाना कुछ ना कुछ हमारा सामान चोरी हो रहा है। सिक्योरिटी आज गायब है, वो बड़े बड़े खंभे हैं और ये चोरी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, इसका कोई भी संज्ञान लेने वाला भी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड तो दिखाई नहीं पड़ते, मान लो होते हैं तो उन पे इन सब पे उनकी नज़र नहीं है। तो बहुत ही अव्यवस्थित हो रहा है पार्क, इसमें सिक्योरिटी की उचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जीडीओ को उठानी चाहिए। और यहाँ चोरी अभी तो खंभों की हो रही है, कल कुछ बड़ी घटनाएं घट जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसे बारीकी से लेने की ज़रूरत है। यहाँ इस पार्क में अराजक तत्वों का आना जाना लगा रहता है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रशासन का हंटर चला है। लगातार जलाकर धातु निकालने से बढ़ने वाले प्रदूषण को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गई है। इस क्रम में प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि लगातार शिकायतों के बाद लोनी नायाब तहसीलदार रति गुप्ता और प्रदूषण विभाग से NK पांडे द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से चल रहे कार्यों पर लोनी प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया। कन्नौज में एक खेत पर गई किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 11 वर्षीय किशोरी अपने बाबा के साथ खेत पर चारा लेने गई थी। गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खेत पर हरियाली ले रही थी और मैं इधर घास छोड़ रहा था और उसके बाद वो संटी उधर से आया, उसने उसको मुँह दबा के और वो ले गया। जब वो चिल्लानी है तब मैं भाग के गया, तब वो उधर बम्बे की तरफ भाग गया। बच्चे की 11 साल। अच्छा, जिसने घटना, उसकी उम्र कितनी थी? उसकी 25 साल। बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा स्थित नहडोली गांव में 3 दिन के नवजात बच्चे का बेचने का मामला प्रकाश में आया है। एक व्यक्ति ने अपने नवजात बच्चे को मुरादाबाद जनपद के मोहल्ला पार्क निवासी को 2.5 लाख रुपए में सौदा कर बेच दिया था। नवजात बच्चे की माता पिता ने स्थानीय थाने में गुमशुदी का मामला दर्ज कराया। पुलिस अधिकारियों ने सख्ती से जाँच पड़ताल की तो पता चला की दंपति की पहले से 5 बच्चे है। गरीबी से तंग आकर बच्चा 2.5 लाख रुपए में सौदा किया है। पूरे मामले में नर समेत अन्य कई लोग शामिल है। पति का नाम क्या है? कौन से गांव से आई आप? अच्छा, यहाँ कितनी आई है, क्या मामला हुआ? जो मामला हुआ, बच्चा ले आया, वो दिन में छल करके आया, बहुत दुख में फलाना ठिकानों को नाम बताए, पागोड़ा को बताए, तो पागोड़ा के रहने वाले अब उनने छल करके बहुत डिब्बा दे, अब माना चल रहा है कि मैं मिलत दे रोज उनने गरीबी हाल में 1 लाख रुपये दे किलो अपने तो खर्चा करते दिए। अच्छा, हाँ, उनने जो कहा कि मैं कमरों लिपा दूंगा यहाँ पे रहना। तो यहाँ शिकायत कैसी की चौकी में? शिकायत जो करे हमने तो उनने मिलन से मना कर दे। जी, तीन दलाली ने मना कर दे। दलाल कहाँ के थे? मेरे गांव के ही है, एक बरकरपुर की, दो हमारे गांव के। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।